अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन मुमताज़ बनाने की रेसिपी, जो खाने में इतना मज़ेदार होता है, बनाना बिल्कुल आसान होता है। चलिए इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले उबलते हुए पानी में 2 प्याज, 4 हरी मिर्चें और 10 से 12 बादाम को अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। तो इसका पेस्ट रेडी करना है, तो इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब इधर वाल एक ड्राई मसाला रेडी कर लेंगे, जिसके लिए पैन में ले लेंगे 2 बड़े चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच ले लेंगे ज़ीरा, इसके बाद आधा छोटा चम्मच काली मिर्चें और 1 चम्मच नमक डाल के इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको मिक्सर के जार में निकाल के इसका एक फाइन पाउडर यहाँ पे रेडी कर लेंगे। अब इधर वाल मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, जो बादाम थे उसका छिलका यहाँ पे निकाल लेंगे। तो छिलका बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकल जाएगा। अब इस मसाले को मिक्सर के जार में निकाल के इसका एक फाइन पेस्ट यहाँ पे रेडी कर लेंगे। अब इधर वाल चिकन ले लेंगे, इसमें डाल देंगे 4 बड़े चम्मच दही के, 2 चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और जो ड्राई मसाला रेडी किया था वो यहाँ पर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद चिकन को 10 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब कढ़ाई में सरसों का तेल ले लेंगे, उसमें डाल देंगे काली मिर्चें, बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा, जावित्री और तेज़पत्ता डाल के थोड़ी देर मसालों को सौटे कर लेंगे। अब इसके बाद जो मैरिनेशन चिकन था वो यहाँ पर डाल देंगे और चिकन डालने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए चिकन को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेंगे, ताकि चिकन की जो स्मेल वगैरह हो वो यहाँ पे निकल जाए। तो 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भूनने के बाद जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो यहाँ पे डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद एक बार और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर हम चिकन को भून लेंगे। चिकन को भूनने के बाद आप यहाँ पर नमक डाल देंगे, तो नमक चेक करके डालिएगा क्योंकि हमने पहले भी डाला था। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के पकाएंगे, जब तक चिकन हमारा गल नहीं जाता। तो चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। एक बार और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 20 से कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो बढ़िया सा हमारा चिकन मुमताज़ बन के रेडी हो चुका है। तो बनाना बहुत ही आसान होता है, तो एक बार इस तरह से ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है, तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब